रेवाड़ी जैसलमेर हाईवे पर बड़ा हादसा, दो वाहन आपस में भिड़े, कार में सवार 5 लोगों को बाहर निकलने का नहीं मिला मौका, कार में ही झुलस गए। भिड़ंत इतनी जोरदार थी कि जोरदार धमाका हुआ, इसके बाद दोनों ही ट्रोला व कार में आग लग गई, जिसके चलते तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से कार पूरी तरह से जलकर खाक हो गई है, वहीं ट्रोले का केबिन भी पूरी तरह से जला हुआ दिखाई दे रहा है। नमस्कार, दैनिक साथी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। हरियाणा में रेवाड़ी जैसलमेर नेशनल हाईवे संख्या 11 पर ट्रोला व कार की जबरदस्त भिड़ंत हो गई। टक्कर के बाद जोरदार धमाका हुआ, जिसके चलते दोनों वाहनों में आग लग गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि आग से कार में सवार 5 लोगों को बाहर निकलने तक का मौका नहीं मिला और कार के अंदर ही झुलस गए। मौके पर पहुंचे लोगों ने सभी को कार से बाहर निकाला, इसके बाद रेवाड़ी शहर के ट्रोमा सेंटर में भर्ती कराया गया। हालात इतनी खराब थी कि उनको तुरंत PGI रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि हादसे का शिकार सभी राजस्थान के खेतड़ी के रहने वाले थे। इनमें 4 लोगों की पहचान हो गई है, जिनमें राजेश पुत्र सुल्तान 35 वर्ष, सुरेश 30 वर्ष, हीरालाल 37 व राजेश पुत्र मुंशीराम शामिल है। कार खेतड़ी से नारनौल होते हुए रेवाड़ी की तरफ आ रही थी, जबकि ट्रोलर रेवाड़ी से नारनौल की तरफ जा रहा था। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से आग लगने के बाद कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है, वहीं ट्रोले का केबिन भी पूरी तरह से जलकर खाक हो गया है। ऐसे में तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है कि हादसा कितना खौफनाक व खतरनाक था। 5 घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है।